गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी बैच 01/2020 का जो बैच है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। उसके जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्या क्या जानकारी उसकी है आपके लिए चाहिए और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। तो फ्रेंड्स, उसको बताने से पहले मैं आपसे एक बार निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स इसी के माध्यम से मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होता है और आप मेरे वीडियो देख पाते हैं। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपके लिए नई नई खबरें इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो आपको ले चलता हूं सीधा गूगल के पास और आपको दिखाता हूं सब चीज लाइव। जैसा ही फ्रेंड्स मैं गूगल के पास आ चुका हूं और गूगल में ओपन करता हूं मैं इंडियन कोस्ट गार्ड डालने के बाद सीधा एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और सबसे ऊपर वाली लिंक है उसे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपके सामने इंडियन कोस्ट गार्ड का जो है इस तरीके से जो डैशबोर्ड है उसका जो स्ट्रक्चर है वो सामने ऊपर होकर के इस तरीके से आ जाएगा। आपके सामने डिस्प्ले इस तरीके से होने लगेगा और आपको साइड में यहाँ न्यूज के सामने यहाँ पर दिख रहा है, न्यूज इवेंट चल रहा है यहाँ पर आपको दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट फॉर यांत्रिकी 01/2020 बैच, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने है जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने लाइव आ जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, जो आपको दिखने वाला है। फ्रेंड्स पीडीएफ नोटिफिकेशन इस तरीके से आपको दिखेगा, जहां पर आपको दिख रहा है लिखा हुआ ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एज नाविक जनरल ड्यूटी 10+2 एंट्री 01/2020 बैच एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन फॉर्म 26 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक जो है फॉर्म भरे जाएंगे। फ्रेंड्स तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, आप बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, आप देखते रहिए, मैं आपको जानकारी पूरी देने की कोशिश करता हूं। फ्रेंड्स मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफर्ड अपॉर्चुनिटी फॉर 10+2 पास विद मैथ्स एंड फिजिक्स फ्रॉम एनी एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट विद मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स। आपका 50% मार्क्स होना अनिवार्य है और साथ में ही आपका मैथ्स और फिजिक्स के साथ में इंटर होना आवश्यक है। साथ ही 5% रिलैक्सेशन इन मिनिमम कट ऑफ विल बी गिवन फ्रॉम SC/ST कैंडिडेट एंड आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सनल पर्सन फॉर द नेशन लेवल हु हैव ऑब्टेन फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ थर्ड। अगर फ्रेंड्स SC/ST से आते हो या फिर आप आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट कोटे में फर्स्ट सेकंड या थर्ड नेशन लेवल आपको लगा हो तो आपको 5% तक का जो छूट मिलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपके पास जो आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है एज लिमिट। तो फ्रेंड्स एज लिमिट 18 साल से लेकर के 22 साल के बीच में होना चाहिए, जो कि काउंटिंग 1 फरवरी 1998 से लेकर के 31 जून 2002 के बीच में होना चाहिए। बोर्ड डेट इज इंक्लूड अपर एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 फॉर SC/ST और 3 फॉर OBC कैंडिडेट। तो इसमें जो रिलैक्सेशन इनको मिलने वाला है वो 5 SC/ST के लिए रहेगा और 3 OBC कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन। सबसे पहले एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, ऑफलाइन नहीं भरे जाएंगे, जो कि आपके 17 आवर्स कैंडिडेट आर टू लॉग इन जो जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड .gov.in से फॉर्म भर पाएंगे। एप्लीकेशन टू टेक प्रिंट आउट ऑफ द ई एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड है वो आपके इस लिंक पर 17 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसका एडमिट कार्ड का डेट भी पहले से ही फाइनल कर रखा है और जो है आपका ये फॉर्म है वो 17 मतलब 5 तक आपके जो फॉर्म है 1 सितंबर तक भरे जाएंगे। इसके बाद आता है आपका जो मेन आपके लिए पॉइंट है वो इसमें यह एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहेंगे, जालंधर, देहरादून, जबलपुर, नोएडा, वाराणसी, गुवाहाटी, वो एट स्टेट के आधार पर रहेगा आप किस स्टेट से हो। ऐसा जो है पीडीएफ का इसका नोटिफिकेशन जो पीडीएफ है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख पाएंगे कि आपका जो है किस क्षेत्र में पढ़ने वाला है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो है, द कैंडिडेट आर टू चूज ओनली वन चॉइस फॉर सेंटर फॉर्म द लिस्ट मेंशन्ड अगेंस्ट स्टेट टू विच दे बिलोंग टू इंडियन कोस्ट गार्ड रिजर्व द राइट टू कैंसिल रिकंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सेंटर ऑफ द चेंज द सेंटर ऑफ द कैंडिडेट फॉर एडमिनिस्ट्रेट अदर रीजन। आप किसी भी रीजन पर अपना सेंटर चेंज नहीं कर पाएंगे। कट ऑफ परसेंटेज ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट ऑब्लिक सेंटर विल बी डिसाइडेड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन। हर एक स्टेट का जो है कट ऑफ अलग अलग रहेगा, वो भी डिपेंड करता है आपकी परसेंटेज के नंबर्स की परसेंटेज के ऊपर। नंबर 3 लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म 1 सितंबर 2019 जो 17 मतलब 5 तक शाम के फॉर्म भरे जाएंगे।
इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है कैंडिडेट नीड टू रीड द कंप्लीटेड एडवर्टाइजमेंट शोइंग इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर आर एंड नॉट मीटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल नॉट बी एंटर्ड। तो फ्रेंड मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जो है जो एडवर्टाइजमेंट है उसको केयरफुली पढ़ें, ना समझ में आ रहा तो वीडियो को तरीके से देखें, आपको सब जानकारी मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद आता है डिक्लेमेयर, इसके बाद द टर्म एंड कंडीशंस गिवन द एडवर्टाइजमेंट आर द सब्जेक्ट टू चेंज एंड शुड देयरफॉर बी ट्रेडेड एज द गाइडलाइंस ओनली, डिटेल आर आल्सो अवेलेबल ऑन इंडियन कोस्ट गार्ड वेबसाइट। और आपको जो डिटेल्स पढ़नी है सब इंडियन कोस्ट गार्ड की जो साइट से ही पढ़े, उसी के नोटिफिकेशन से पढ़े, अपना किसी से भी ना पढ़े फ्रेंड्स। और इसके बाद जो आपके पास आता है कंडीशन टू सी कोस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट वेबसाइट फॉर द कंप्लीट अपडेट, दिस इज एन इंडिकेटेड एडवर्टाइजमेंट ओनली, किसी भी फालतू के चक्कर में ना पड़े। आपको कोई भी प्रलोभन देता है जुगाड़ वगाड़ वाला कुछ भी नहीं होने वाला है, ये सब कुछ हेडक्वार्टर इंडियन कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर से ही होता है, इसमें कोई किसी का जुगाड़ नहीं कर सकता है, ये इंडियन कोस्ट गार्ड का कहना है। इसके बाद ये जो इम्पोर्टेंस आपके लिए थे, और आपको इसके बारे में और चीज बता दूं, जिसकी जो आपकी जो 12th क्लास से जो है वैकेंसीज हैं और इस तरीके से इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे, डेट भी मैं आपको बता चुका हूँ, साथ में आपका एडमिट कार्ड डेट भी बता चुका हूँ, फॉर्म किस तरीके से भरना है। जैसे ही फॉर्म लाइव होंगे मैं तुरंत आपको फॉर्म भरकर आपको लाइव दिखाने की कोशिश करूंगा, जैसे मैंने पहले भी दिया था, पहले वाली जो राउंड था सेकेंड 2019 का बैच था उसमें भी मैंने आपको दिया था फॉर्म फिल कर किस तरीके से भरना है, मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा। और जल्दी सीखना है आपको किस तरीके से भरना है तो आप मेरा पुराना वीडियोस देख सकते हो, उसमें पूरी जानकारी मैंने बताई है कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। बाकी फ्रेंड्स आज के लिए बस इस वीडियो में बस इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ ही फिर से कहना चाहूंगा अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपके लिए इसी तरीके से नई नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, जॉब अलर्ट से रिलेटेड काफी और भी एजुकेशन से रिलेटेड सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं ऐसे ही लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए विदा चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच।